आइए चलते हैं एमपी माइगोव के सफर पर। सरकार और प्रशासन की नीतियों में नागरिकों की सहभागिता एवं शासन से जन समुदाय को सीधे जोड़ने के लिए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में 22 अगस्त 2017 को डिजिटल प्लेटफॉर्म एमपी माइगोव प्रारंभ किया गया। शासन की इस पहल का नागरिकों ने खुले दिल से स्वागत किया, क्योंकि एमपी माइगोव के माध्यम से सभी नागरिकों को शासन से सीधे जुड़ने का अवसर मिला। प्रदेश भर के नागरिक अपने विचारों एवं सुझावों को एमपी माइगोव के माध्यम से विभाग और सरकार तक सीधे भेजने लगे और विभिन्न विषयों पर खुली चर्चाएं प्रदेश के नागरिकों को प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करने लगी। एमपी माई गॉव के माध्यम से आयुष विभाग द्वारा कैंपेन आयोजित किया गया था, जिससे आम जनता द्वारा इसको काफी सराहा गया है। एमपी माई गवर्नमेंट नवीन परिदृश्य में सरकार एवं नागरिकों के बीच में सहभागिता स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। हम लोगों ने इसका सूचना की जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए उपयोग किया, जिसका व्यापक लाभ हुआ। इस पोर्टल पर मध्य प्रदेश शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का, विभिन्न महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों के कल्याण तथा कुपोषण दूर करने संबंधी, इन सब के बारे में आम लोगों के जो इस पोर्टल को देखते हैं उनके बहुमूल्य सुझाव भी हमें प्राप्त हो रहे हैं और वे इस पोर्टल पर इन योजनाओं को देखकर लाभान्वित भी हो रहे हैं। क्योंकि एमपी माइगोव पोर्टल ने एक तरफ प्रतियोगिता, चर्चा, वार्ता, ब्लॉग और जनमत के माध्यम से हजारों नागरिकों को शासन की नीतियों और योजनाओं में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया, वहीं दूसरी ओर एमपी माइगोव सोशल मीडिया के द्वारा भी लाखों नागरिकों तक प्रमुख योजनाओं एवं जागरूकता अभियान, जैसे मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना, आयुष्मान भारत, नशा मुक्ति अभियान, महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण, युवा एवं महिला सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों को पहुंचा रहा है। शासन में युवाओं की भागीदारी बढ़े और नीतियों के निर्माण में उनकी भी बराबरी की सहभागिता हो, इसके लिए निरंतर शैक्षणिक संस्थाओं में जाकर गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स टू गिव देयर ओपिनियन टू द गवर्नमेंट, सो दिस यूथ आल्सो कैन कंट्रीब्यूट टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड इवन द गवर्नमेंट विल बेनिफिट फ्रॉम द न्यूअर जनरेशन, न्यू स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स। हम लोगों को मालूम चला कि हम लोग भी, हमारे पास भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमने आइडियाज रख सकते हैं और पीपल हैं इंडिया के, उनको भी कुछ बेनिफिट हो सकता है। मध्य प्रदेश सरकार की जुड़ी हुई जो भी योजनाएं हैं उनसे जुड़ने का एक डिजिटल माध्यम मिला है। ये हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम बहुत सारे अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को हम गवर्नमेंट तक पहुँचा सकते हैं, गवर्नमेंट उससे अपने 5 ईयर प्लान में उसको इनिशिएट कर सकती है। नागरिकों की सहभागिता का प्रमाण है कि एमपी माइगोव के सहभागियों को डिजिटल कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया गया और सराहा गया। नागरिकों की क्रिएटिविटी, उनके इनोवेटिव आइडियाज का सरकार के नीति निर्धारण और योजनाओं को बढ़ाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। इसी विजन को ध्यान में रखते हुए 2014 में सरकार बनने के 2 महीने के अंदर ही एक डिजिटल सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म माई गॉव लॉन्च किया गया। मैं चाहूंगा कि आज उनके भी वॉलेंटियर्स हमारे बीच में हैं, उनसे भी कुछ बात करें, उनसे भी सुने। जन भागीदारी के सहयोग से अगस्त 2018 तक एमपी माई गॉव पर पंजीकृत यूजर्स की संख्या 27,000 से ऊपर हो चुकी है, जो इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश के नागरिक शासन की योजनाओं व कार्यक्रमों में सहभागिता के लिए उत्साहित हैं और अपने विचार व सुझाव रख रहे हैं। हमें अपने सुझाव और विचारों को रखने के लिए एमपी माई जीओवी प्रदेश सरकार का बहुत ही अच्छा प्रयास है। हमें खुशी है कि अब हम भी अपने सुझाव और विचारों से शासन की नीतियों में सहयोग कर सकते हैं। एज अ प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरी हॉबी ड्रॉइंग में है, कुछ पंच लाइन लिखने में है, तो मुझे फाउंडेशन थे अब तक, जब तक ये प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिला था। कोई भी जो नीति बनती है वो कहीं ना कहीं किसी से वो विचार लिया जाता है, उसके बारे में सोचा जाता है और उसके बाद उसको एज ए नीति अपनाया जाता है। एक वर्ष के अल्पकाल में
ये हमारी उपलब्धियां हैं। हमें गर्व है कि प्रदेश के सभी आयु वर्ग के नागरिक सरकार के साथ लगातार अपने विचारों और सुझावों को साझा कर रहे हैं और नीति निर्माण में अपना सहयोग दे रहे हैं। माई गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती रहती हैं। इसी पोर्टल पर मैंने कविता प्रतियोगिताएं भाग लिया था, जिस पर मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। एमपी माई जीओवी मध्य प्रदेश शासन का ऐसा मंच है जिस पर हम अपने विचारों को साझा करके शासन की नीतियों को सुदृढ़ बनाने में सहायक हो सकते हैं। कम शब्दों में कहूँ तो एमपी माई जीओवी यानी मेरी सरकार। आइए हम सभी एमपी mygov के साथ मिलकर अपने प्रदेश को प्रगति की एक नई ऊंचाई तक ले जाने में सहभागी बनें।